ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रंची लच्छेदार कांदा भजिया, जिसे खाते ही मजा आ जाएगा। तो चलिए इसे बनाना करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कांदा को छील लिया है, पानी में डुबोया था, तो अब हम पतला पतला लच्छेदार तो इस तरह हम लंबा लंबा तो ये हमारी प्याज कट हो रही है, तो इस तरह से स्लाइसेस हम सभी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी प्याज कट गई है, तो हम इसमें ऐड करने वाले हैं बेसन। लगभग एक कटोरी हम इसके अंदर बेसन डालेंगे, फिर हमें कम लगेगा तो और डाल लेंगे थोड़ा। यहाँ पे हमने लिया है साबुत धनिया, जिसे कूट लिया है, तो इससे बहुत फ्लेवरफुल लगता है। यहाँ पे हमने एक चम्मच गरम मसाला लिया है, इसे भी डालेंगे हम। यहाँ पे हमने अदरक लिया है कुटा हुआ, इसे डालेंगे। स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डालेंगे। तो हमने मिर्ची लिया है, मिर्ची कूट लिया है, तो लाल हरी दोनों मिर्च है, थोड़ी सूख गई। और यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा लिया है, इसे भी आधा चम्मच डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, बिना पानी से हम इसे सानेंगे और इसी तरह इसे गूथेंगे, मसलेंगे, और ये थोड़ी ही देर में पानी खुद अपना रिलीज कर देगा, तो हमें इसमें पानी नहीं डालना है। फ्रेंड्स, इसी तरह इसे सानेंगे तो ये खुद ही पानी रिलीज करने लगेगा। तो पहले से पानी ना डालें, नहीं तो हैंडल नहीं होगा। तो याद रखने वाली बात यह है, तो प्याज में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो उसी से ये गूथ जाएगा। तो खूब मसल मसल के इसे सानना है, गुथना है इस तरह से। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये कांदा भजिया। तो देखिए फ्रेंड्स, कांदा हमारा सना रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा बेसन और ऐड करेंगे इसके अंदर। बेसन फ्रेंड्स हमें कम लग रहा था, तो हम थोड़ा सा बेसन और बढ़ा दिए इसके अंदर, और इसे अच्छे से गूथ रहे हैं। और देख लीजिए लच्छे कैसे निकल रहे इसके, तो इसे गूथते गूथते इसके लच्छेदार निकलने लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कांदा हमारा रेडी हो गया है फ्राई करने के लिए, तो इसे तुरंत ही हम फ्राई करेंगे, इसे रखना नहीं है, नहीं तो ये पानी रिलीज करने लगेगा। और कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है। फ्रेंड्स, तेल को हम चेक करेंगे, अभी ये गरम नहीं हुआ है अच्छे से। तेल को हमें हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, खूब अच्छे से हमें बैटर को गूथ लेना है, फिर हमारा एक हिस्सा उठाना है प्याज का और कढ़ाई की तरफ लेके जाना है, और इसे इस तरह से छोड़ना है हाथों पे कढ़ाई में। तो ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गरम है, तो बैटर को लेते जाना है और छोड़ते जाना है, इस तरह से हमें हाथ को घुमाते जाना है, निकलेंगे इसके। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज की भजिया हमारी पक रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम तुरंत नहीं चलाएंगे। फ्रेंड्स, कांदा भजिया को तुरंत ही नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूटने लग। देखिए फ्रेंड्स, हमारे भजिया का कलर चेंज होने लगा है, तो इसे हम थोड़ा पलट लेंगे सावधानी से। तो ये देखिए सुनहरा हो रहा है, तो इसे पकने देते हैं, हाई फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमारी कांदा भजिया है एकदम तैयार हो गई है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए एकदम मार्केट जैसा हमारा कांदा भजिया लच्छेदार तैयार हो गया है, तो इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मस्त है ना एकदम। तो इसी तरह हम सभी कांदा भजिया को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस में इस कांदे को उठाना है, इसी तरह हमें फिर से डाल देना है। गैस का फ्लेम फ्रेंड्स हमें हाई रखना है, नहीं तो हमारी प्याज हमारी एकदम नरम हो जाएगी। तो इसे हाई फ्लेम पे ही फ्रेंड्स पकाएं।
तो अंदर तक ये पक जाएगी, ऐसा नहीं। तो यहीं पे हमारा सेकेंड बैच भी फ्राई हो गया है मस्त पे की, तो इसे निकाल लेते हैं। मस्त मस्त, और एक्स्ट्रा तेल हम झाड़ लेते हैं। तो ये देखिए हमारा सेकेंड बैच भी रेडी है खाने के लिए, तो फटाफट इसे हम सर्व करेंगे हरी मिर्ची के साथ। फ्रेंड्स हमारा कांदा भजी एकदम रेडी हो गया मार्केट स्टाइल, ये देखिए कितने सारे लच्छे बने और साथ ही मिर्च, तो फटाफट इसका मजा उठाएं और आप एक बार रेसिपी जरूर ट्राई करें, कांदा भजिया एक बार जरूर बनाएं।